केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली जो टॉपिक है, अब तक हमने पिछले वाली वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था, सेकंड में हमने लैटिस एनर्जी के हमने दो पार्ट करके पढ़ाए, पार्ट वन और पार्ट टू। और यहाँ पर फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें से हम पार्ट वन पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम पार्ट टू पढ़ाएंगे, फजान रूल। देखिए जो फजान रूल होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप मॉडल कभी भी सॉल्व करें, मॉडल उठा के कभी भी आप सॉल्व करेंगे, तो चाहे नीट के एग्जाम में हो चाहे वो आईआईटी के एग्जाम में हो, हमेशा फजान रूल से क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आए हैं। चलिए स्टार्ट हम करते हैं फजान रूल। फजान रूल स्पेशली हम आपको ये बताएंगे कि इसमें लास्ट में हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, इसमें हम आपको सबसे पहले ट्री बताएंगे, कैसे आप फजान रूल को लर्न करने का तरीका हम आपको फार्मूला बेस बताएंगे, वही फार्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन अपने आप निकलता चला आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं फजान रूल, फजान साइंटिस्ट ने क्या हुआ, कैसा रूल बनाया था, किस पे, कंपाउंड पे। तो जो फजान रूल होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू फजान रूल के अनुसार आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस, कहने का मतलब ये फजान साइंटिस्ट ने उन्होंने अपने ही नाम पे एक रूल बनाया था। फजान का जो रूल था उन्होंने ये कहा था कि कोई से भी आयनिक कंपाउंड होता है उसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस होता है जब, अभी हम बता रहा हूँ कैसे। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस कैसे हुआ था, आप जाके पार्ट वन में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पेशली हम फजान रूल में कोवेलेंट करेक्टर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है आयनिक कंपाउंड में, चलिए हम उसी में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल, फजान रूल के अनुसार आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में कौन सा करेक्टर प्रोड्यूस होता है, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस, व्हेन कोवेलेंट करेक्टर इज प्रोड्यूस। चलिए एक बार हम आपको अगली पर रिपीट करवा देते हैं, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, फजान ने अपने रूल में यही कहा था आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट करेक्टर इज प्रोड्यूस, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट करेक्टर प्रोड्यूस होता है कब। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर टोटल फोर पॉइंट है, फोर पॉइंट में स्पेशली कैसे एप्लीकेशन होगा उसके पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं फार्मूला बेस, कैसे आप ट्रिक को अप्लाई करेंगे उसी फार्मूला को, क्योंकि देखिए बिना ट्रिक के आप लर्न नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ट्रिक बताते हैं। तो जैसे कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, जो हम थिन फार्मूला भी बताएं। चलिए देखिए कैसे एप्लीकेशन होगा, हम पॉइंट में एप्लीकेशन करेंगे फजान रूल में। तो चलिए हम आपको ट्रिक सबसे पहले बताते हैं, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन और कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, यही हमें ट्रिक हमें लर्न करना है। यदि यही फार्मूला यदि आप लर्न कर दिए तो फजान रूल का कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसी से सॉल्व हो जाएगा। तीन पॉइंट इसी पे फार्मूले पे बेस है, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर जो होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, और कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन। तो चलिए इसी फार्मूले को हम फोर पॉइंट बताए थे, फर्स्ट पॉइंट में एक एक करके यूज करेंगे, एप्लीकेशन होगा थ्री पॉइंट तक। चलिए हम आपको एक एक पॉइंट कैसे डिस्क्रिप्शन होता है हम आपको फजा रूल में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ के जो फोर पॉइंट होगा, चारों पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट में साइज ऑफ केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, साइज ऑफ केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल, साइज ऑफ केटायन, जो फजान रूल का जो पहला पॉइंट है, साइज ऑफ केटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। देखिए यहां पर जो स्मॉल हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ पर केटायन का साइज लार्ज और स्मॉल करके पूछते हैं, इसलिए हमने स्मॉल को हाईलाइट कर दिया। तो साइज ऑफ केटायन, फजान ने अपने पहले पॉइंट में कहा था कि जो केटायन के जो साइज होता, साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चलिए इसी पे हम आपको फार्मूला बताते हैं, इसके बाद देन वो क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, देखिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्लोराइड। तो यहां पर हमें पूछा जाएगा किसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा और किसमें आयनिक बॉन्ड, किसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो आपसे यही पूछा जाएगा। तो हमने क्या कहा था, फजान ने अपने पहले पॉइंट में कहा था जो केटायन की जो साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल हो, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो पहला पॉइंट था, देखिए क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो कोवेलेंट करेक्टर हमने यही बताया था, देखो कोवेलेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख देते हैं, कोवेलेंट करेक्टर, ये क्या लिखा, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन, हमने पहले पॉइंट में यही फार्मूला बताया था। देखिए कोवेलेंट क्या लिखा, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन, कहने का मतलब ये है जिस केटायन का साइज सबसे कम होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जिस केटायन का साइज सबसे कम और कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा। और हमें पहले से पता होता है जब हम टॉप से बॉटम तरफ आते हैं, जब हम क्या होता है टॉप से, ये हमारा टॉप है हमारा बॉटम है, जब हम टॉप से बॉटम तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यहाँ पर क्या होता है साइज इंक्रीज होगा, मैक्सिमम साइज क्या होगा, इस कंपाउंड होगा, क्या होगा मैक्सिमम साइज होगा, और जिसका साइज ज्यादा देखिए, और यहां पर क्या होगा मिनिमम साइज, यहां पर क्या होगा मिनिमम साइज, देखिए जिस इसका साइज कम, ये हमारा देखिए केटायन है, ये हमारा क्या लिखा केटायन, ए भी हमारा केटायन, ए भी हमारा केटायन है, ए भी हमारा केटायन, ए भी हमारा केटायन, देखिए सभी में एनायन सेम है, तो एनायन की हम बातें नहीं करेंगे, सभी में हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है केटायन, ए भी देखिए केटायन डिफरेंट है लिथियम, सोडियम जो केटायन है ए भी डिफरेंट है, पोटेशियम केटायन ए भी डिफरेंट है, देखिए सभी में केटायन डिफरेंट है जबकि एनायन सेम है, सेम है तो उसमें कोई हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ जो डिफरेंट होगा उसी में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा लिथियम की जो मिनिमम साइज है और यहाँ पर क्या होगा सीजियम का मैक्सिमम साइज है, ऑलरेडी हमें पहले से पता होता है। तो सोचिए जिस कम जिस केटायन का साइज कम उसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसको हम हटा देते हैं ऐसे लाइन को, कोवेलेंट करेक्टर देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा लिथियम होगा, क्या होगा लिथियम में क्या होगा मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर,
सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें पाया जाएगा? लिथियम में, और जिसमें कोवेलेंट करेक्टर मैक्सिमम, और उसमें क्या होगा मिनिमम आयनिक करेक्टर कैसा होगा? मिनिमम होगा, मिनिमम आयनिक होगा, क्लियर। और इसमें क्या होगा मिनिमम कोवेलेंट और मैक्सिमम क्या होगा आयनिक होगा। यदि आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें होगा? लिथियम क्लोराइड में, देन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम में मिनिमम कोवेलेंट होगा। यदि पूछा जाए कि मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर किसमें होगा? सीजियम क्लोराइड में। और जिसमें मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर होगा और आयनिक जो कंपाउंड होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर इसमें पूछा जाए आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? सीजियम क्लोराइड में। देखिए क्योंकि जो कोवेलेंट होता है वो आयनिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें कोवेलेंट ज्यादा होगा उसमें आयनिक करेक्टर कम, जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा उसमें कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या होगा लिथियम क्लोराइड मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर या कोवेलेंट करेक्टर, और इसमें क्या होगा मिनिमम आयनिक होगा, क्लियर। तो चलिए हम आपको सेकंड पॉइंट बताते हैं। देखिए फजान रूल का जो फोर पॉइंट है, फोर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए तो तीन पॉइंट बिना आपको रटे आ जाएगा। देखिए फार्मूला का सब खेला है। सेकंड पॉइंट फजान ने कहा क्या कहा था, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, एनायन का जो साइज होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। साइज ऑफ एनायन कैसा हो? लार्ज हो। क्योंकि देखिए यहां पर एनायन और केटायन, अभी हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, इसलिए हमने एनायन को जो साइज है हमने लार्ज को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि उन्होंने लार्ज इसमें कंपेयर कर दिया था। तो सेकंड पॉइंट क्या था फजान ने क्या कहा था, साइज ऑफ एनायन कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए क्या गिवन हो, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, यहां पर क्या होगा लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। यदि इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, तो कैसे आप बताएंगे? तो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, देखिए हमने क्या लिखा था सी बी सी, आप समझ जाएंगे कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, जिस एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, देखिए जिस एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, जिस एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। अगर मान लीजिए एनायन का साइज जिसमें जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिथियम केटायन है, केटायन सभी में सेम है, जब जिसमें केटायन सेम है उसको हम कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए लिथियम, यहाँ पर भी लिथियम, यहाँ पर भी लिथियम, जब सेम है उसमें कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो बचा क्या एनायन पार्ट, यहाँ पर एफ Cl, Br और I, ये सब क्या होगा एनायन पार्ट होते हैं। अब हमें पता है पहले से, जब हम टॉप से बॉटम तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा साइज क्या होगा इंक्रीज होता है, ये हमें बहुत पहले से पता होता है। जब हम ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो क्या होगा, जैसे हम जब भी पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जब हम ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो क्या होगा साइज क्या होगा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर सोचिए अगर यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम साइज है, ये क्या होगा मैक्सिमम साइज, और यहाँ पर क्या होगा मिनिमम साइज, साइज आपको पहले से पता होना चाहिए तो फिक्स होता है। तो यहाँ पर जिसमें जिस एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा उस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा इस कंपाउंड का साइज सबसे ज्यादा है। यहाँ पर देखिए जो आई है इसका साइज क्या होगा सबसे ज्यादा है, जब सबसे ज्यादा इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा इसी में होगा,
क्लियर। सबसे ज्यादा साइज एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा उस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर। और जिसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा और मिनिमम क्या होगा, आयनिक होगा। वो कैसा होगा, आयनिक मिनिमम होगा, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर आयनिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर क्या होगा, मिनिमम कोवेलेंट, सीबीसी लिख देते हैं हम, मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर और क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, आयनिक होगा वो। क्लियर। फजान ने यही कहा था कि जिस कंपाउंड का जितना ज्यादा साइज होगा उस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए एनायन का बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर केटायन सभी में सेम है। देखिए लिथियम क्या केटायन है और आयोडीन यहाँ पर क्या लिखा, आई वो क्या है, एनायन है, तो हमारा शर्त है, इसलिए हमने एनायन पे डैश मार दिया। तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर आई का साइज सबसे ज्यादा है इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर और मिनिमम आयनिक। आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो यार चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। फजान ने थर्ड पॉइंट में अपने क्या कहा था, देखिए जो फोर पॉइंट है उन्होंने फोर पॉइंट दिया था अपने रूल में, और फोर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ आप ये फार्मूले को लर्न कर लीजिए। फार्मूला यदि आपको लर्न है तो आपका कैसा भी फजान के रूल से क्वेश्चन आएगा सब आपका साफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन इज लार्ज या हाई होना चाहिए। क्या लिखा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब क्या होता है, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर केटायन जो भी लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फजान ने अपने थर्ड पॉइंट में यही कहा था कि जो केटायन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हाई, जिसमें जितना ज्यादा केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर फार्मूला पहले बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें तभी देखिए कैसे एप्लीकेशन होगा फार्मूले का। यहां पर क्या लिखा है, जैसे यहां पर इसलिए हमने डिफरेंट कलर कर दिया, यहां पर देखेंगे केटायन लिखा और क्या लिखा, एनायन, और हम किस पे बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन, इसमें जो केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो चलिए इस कंपाउंड हमें दिया गिवन है, ये तो फजान ने अपने पॉइंट में कह दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन हाई। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो हम आपको इसमें ट्रिक बता रहे हैं। तो क्या बताया, कोवेलेंट करेक्टर, तो आपसे कोवेलेंट करेक्टर पूछा जाएगा, तो कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन, हम आपको यही फार्मूला बताए थे। यहां पर देखिए हमने केटायन पे क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहां पर एक बता रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन, जिस केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन, जिस केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर देखेंगे ये हमारा केटायन है, ए भी केटायन है, जो हमने ब्लैक कलर दिखा रखे हैं ये सब हमारे क्या लिखे हैं, केटायन लिखे हैं, और जो मतलब क्या होगा रेड कलर का एनायन है, एनायन सेम है, इसलिए हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हमें केटायन का, इसमें हमें क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, प्लस वन आएगा, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, प्लस टू,
यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, यहाँ पर क्या होगा प्लस थ्री, और यहाँ पर क्या होगा प्लस फोर। तो सोचिए यहाँ पर लिथियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस इस तरह है, एक्स प्लस माइनस इस तरह निकालेंगे। एल आई सी एल के भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, हमें एक्स का निकालना है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस माइनस वन इजक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इजक्वल टू जीरो, एक्स इजक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ भेजेंगे, एक्स इजक्वल टू क्या होगा प्लस वन आएगा। कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे सी एल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस वन, होल ट्वाइस कर देंगे। चलिए हम बी सी एल टू बता देते हैं कैसे निकालेंगे। बी सी एल टू इसका मान लीजिए जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस माइनस वन होल ट्वाइस, क्योंकि सी एल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है माइनस वन होता है। क्लियर, सी एल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है माइनस वन, इसलिए दो बार लिखा है, होल ट्वाइस कर देंगे, एक्स माइनस इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस टू। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस टू आ गया। देखिए यहाँ पर प्लस टू, यहाँ पर प्लस थ्री, यहाँ पर प्लस फोर, ऐसे सभी में आप निकाल देंगे। यहाँ पर होल थ्राइस कर देंगे, यहाँ पर होल फोर कर देंगे सी सी एल फोर के केस में। इतना तो आपको आता ही बेसिक चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे कि और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किस में आया, इस कैटायन में कितना आया प्लस फोर आया। देखिए इसमें कितना आया प्लस फोर, इसमें प्लस थ्री, इसमें क्या होगा प्लस टू, इसमें क्या होगा प्लस वन। तो जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा कैटायन लिखा है, जिस कैटायन में ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा और कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें सबसे कम लिथियम क्लोराइड में, तो क्या होगा इसमें मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, मैक्सिमम सीबीसी लिख देता हूँ, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर। और इसमें क्या होगा मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर, मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर। क्लियर हो गया आपको। एक बार हम आपको आगे निकाल करवाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए हाई, तो उन्होंने फजान ने अपने रूल में कहा था, तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो आप ए ट्रिक फॉलो करेंगे, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन, जिस कैटायन का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस कंपाउंड में उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। क्लियर, इसमें प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, इसमें प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन, जिसमें जिस मान लीजिए हमारा कैटायन है कार्बन, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है, और मिनिमम कोवेलेंट करेक्टर किसमें लिथियम क्लोराइड में। अब चलिए हम आपको फोर्थ पॉइंट बताते हैं, फोर्थ तीन पॉइंट तक फार्मूला एप्लीकेशन होगा, फोर्थ पॉइंट में कोई फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन अपने आप देख करके आप सॉल्व कर देंगे, बस आपको मैं आपको वहां पर ट्री बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट देखिए वो भी इंपॉर्टेंट काफी है, कई बार क्वेश्चन वहां से भी आए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं फजान रूल से। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे केटाइन हैविंग द सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिस केटाइन के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए कैसे होता है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंट आपको बताते हैं, केटाइन उन्होंने फजान ने अपने रूल में क्या कहा था, केटाइन हैविंग, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, कैटायन हैविंग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। यहां पर देखिए जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन मतलब क्या होगा, लास्ट में क्या होगा 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें आएंगे, 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में, जिसमें 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर दिए, प्राप्त कर लिए हैं। तो जिस कैटायन फजान रूल ने अपने फोर्थ पॉइंट में क्या कहा, कैटायन हैविंग
सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा, लास्ट में 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, कॉपर है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, यहाँ पर क्या होगा 2, 8, 18 और 1 है। यहाँ पर देखिए जो 1 है लास्ट में, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए जो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब यदि हमें 18 नहीं होता है तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या है, लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, तो क्या होगा 29 - 1 कितना होगा 28 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो यहाँ पर क्या होगा 2, 8, 18 होगा। यहाँ पर देखेंगे जो 18 है इसका मतलब क्या प्राप्त कर रहा है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्राप्त हो रहा है, 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बता रहा है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर देखिए 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, कोई सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं किया है, इसमें क्या है लास्ट में क्या होना चाहिए, 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें लास्ट में 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, वो प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आपके एग्जाम में कॉपर प्लस पूछा जाएगा, क्या कॉपर प्लस पूछा जाएगा, सीयू प्लस जो है, जो कॉपर प्लस है, तो क्या इसमें कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा, यस आपका आंसर होगा कॉपर, कोई चार्ज नहीं है इसमें, कोई कोवेलेंट करेक्टर नहीं पाया जाएगा, और कॉपर प्लस में क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा। अब सोचो यदि आपके एग्जाम में जिंक प्लस दे दिया जाए, जिंक प्लस प्लस, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 - 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, कितना है 28 आया, तो चलिए इसको लिखते हैं 2, 8, 18। यहाँ पर देखिए जो 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देखिए 18 है, इसका मतलब क्या होगा, कॉपर प्लस और जिंक प्लस प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा। जिंक प्लस प्लस, आपको देखिए पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे कॉपर प्लस 29 दिया है तो 2, 8, 18 कर देंगे, तो यहाँ पर लास्ट में आपको 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लास्ट में आपको यदि 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखे तो क्या होगा, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब कॉपर प्लस में कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा, और जिंक प्लस प्लस में 2, 8, 18 इसका मतलब लास्ट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये किसको अटेंड कर रहा है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर रहा है, इसलिए जिंक प्लस प्लस में भी क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर पाया जाएगा। तो इसमें हम आपको पॉइंट बताते हैं, यहां पर कोवेलेंट करेक्टर देखिए आपको लर्न कैसे होगा, कोवेलेंट करेक्टर केटाइन हैविंग, क्योंकि यहां पर सब देखिए केटाइन ही है, ये सब क्या है, कॉपर प्लस क्या है, केटाइन है, कॉपर प्लस क्या लिखा, केटाइन, केटाइन हैविंग, केटाइन हैविंग सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हमके केटाइन हैविंग सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इविली मेक, क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड,
क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों बनाते हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वेरी हाई, ड्यू टू द हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। चलिए हम आपको एक बार अगेन रिकॉल करवाते हैं। ये हमारा क्या लिखा है, कॉपर प्लस 2818, लास्ट में हमें कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। और जिंक प्लस प्लस 2818 है, इसमें भी लास्ट में 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर रहा है। ये कॉपर प्लस और जिंक प्लस, आप कोई सा भी कंपाउंड आपको गिवन है, आप लास्ट में निकाल कर देखेंगे 18 मिल रहा है, इसका मतलब सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो कर रहा है। लास्ट में 18 मस्ट भी होना चाहिए, जो 18 जो वर्ड लिखा है मस्ट भी होना चाहिए प्रेजेंट। कॉपर प्लस हो या जिंक प्लस प्लस, ये जो केटाइन होते हैं, केटाइन हैविंग सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूली प्राय मेक कोवेलेंट कंपाउंड, इन दोनों में क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा ये, ड्यू टू द हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होने के नाते क्या होगा, ये जो केटाइन होते हैं कोवेलेंट करेक्टर दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी का फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम आपको फाइल ऑफ केटाइन कैसे होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, मतलब आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन पावर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना।